नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुड़िया। cookingexam.in पर आपका स्वागत है। तो देर किस बात की, चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये मैंने चावल लिए हैं, ये पुलाव वाले चावल हैं, ये थोड़े लंबे दाने के होते हैं। यहाँ पर हम इसको 2 कप यूज करेंगे। ये बहुत ज़्यादा पॉलिश चावल होती है, इसलिए इसको हम धुलते समय भी अच्छे से वॉश करेंगे। उससे पहले इनके कचड़े देख लेंगे कि थोड़े बहुत कुछ है तो नहीं गंदगी। और यहाँ पर इस तरीके से पानी डालेंगे और अच्छे से दोनों हाथों से इस तरीके से रब करते हुए इनको अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि ये ओवर पॉलिश चावल होते हैं, मार्केट से हैं ये। तो इनको हम इस तरीके से वॉश कर लेंगे और इस तरीके से स्टार्ची वाटर को जो है स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पर अच्छे से 2 से 3 पानी धुलकर हम इसको भिगोकर रख देंगे इसी पानी में। अभी हमने 2 से 3 बार वॉश कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम कट करते हैं सब्जियाँ। उसके लिए धनिया पत्ती, गोभी, मटर, ये है गाजर, कैप्सिकम और मिर्च। ये सारी सब्जियों को हम छोटा छोटा कट करेंगे और थोड़े थोड़े क्वांटिटी में कट करेंगे। कोई भी सब्जी हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करनी। तो हमने गाजर को कट कर लिया इसी तरीके से छोटे छोटे, और गोभी और कैप्सिकम, इन सारी सब्जियों को छोटा छोटा ही कट करना है और थोड़े अमाउंट में। काली मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये है लौंग और ये है काजू। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे घी और डालेंगे थोड़ा सा काजू। काजू को 1 सेकंड के लिए रोस्ट करने के बाद सारे मसाले हम यहाँ पर एक साथ ही ऐड कर देंगे। और जैसे ही थोड़ा सा भुन जाए, ब्राउन कलर में आ जाए, तो यहाँ पर हम पानी डालेंगे। जो पानी की क्वांटिटी होनी चाहिए वो चावल से जस्ट डबल होना चाहिए। और हम कुकर में नहीं पका रहे, इसलिए हम थोड़ा सा बढ़ाकर भी डाल सकते हैं। और यहीं पर डालेंगे नमक और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही एक बॉयल आ जाए, यहाँ पर हम चावल को डाल देते हैं। लगभग 10 मिनट चावल को सोख करके ज़रूर रखें धुलने के बाद। और इस तरीके से इसको हम अब ढक देते हैं। ढकने के बाद हम इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। साथ ही साथ बीच बीच में चेक करते जाएंगे कि पानी जला तो नहीं है। पानी अगर सोख कर लिया, ज़्यादा पानी उड़ गया, तो फिर आपका चावल जल सकता है। इसलिए बीच बीच में इसको चेक करते जाएं, और अगर पानी कम लगे तो आप ऐड कर लें। लेकिन यहाँ पर हम जस्ट डबल यूज़ करेंगे, थोड़ा सा और पानी। तो इस तरीके से हम इसको चेक भी करते जाएंगे बीच बीच में। हमको 80% से ज़्यादा चावल कुक नहीं करना है। और जैसे ही ये 80% कुक हो जाए, यहाँ पर इसको हम स्ट्रेन कर लेते हैं इस तरीके से, और ठंडा होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। और बीच बीच में चलाते भी चलेंगे इसे, जिससे कि जल्दी से ठंडा हो जाए। ठंडा करके ही बनाइएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत अच्छा महक आता है, सोनापन बढ़ जाती है दोबारा से जब बनाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने लिया है बटर। बटर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देंगे और फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़ा से जीरे को भी। जीरे को इस तरीके से हल्का सा भूनेंगे और फिर यहाँ पर हम डालेंगे सबसे पहले गाजर। जो गाजर होती है वो ज़्यादा पकने में समय लेती है, इसलिए हम यहाँ पर ज़रूर से डालेंगे सबसे पहले गाजर को ही। और 1 मिनट के भूनने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे कॉलीफ्लावर को भी और इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा ढककर 1 से 2 मिनट के लिए दोनों सब्जियों को छोड़ देंगे। और फिर जब थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे मटर। सब्जियाँ कलरफुल यूज़ करने से जो हमारा पुलाव बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है, प्लस टेस्टी लुक भी आता है। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कैप्सिकम और इनको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। और इधर हम बना रहे हैं कलरफुल चावल डेकोरेशन के लिए। उसके लिए हम लेंगे रेड कलर और उसमें थोड़ा सा डालेंगे दूध, और ऑरेंज कलर और उसमें भी थोड़ा सा डालेंगे दूध, हल्का सा, जिसमें कि आप कलर बना सकें। और यहाँ पर हम डालेंगे यही 80% कुक चावल, जो कि ठंडा हो चुका है। दोनों में ही थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अलग अलग इन दोनों को रखेंगे, एक साथ मिक्सअप नहीं करेंगे। कलरफुल चावल रेडी है। और इधर हमारी जो सब्जियाँ हैं वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं, तो इस तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर अब हम डालेंगे अपने चावल को भी। जो सब्जियाँ हैं इस समय पूरी कुक नहीं होनी चाहिए, अभी चावल के साथ भी उनको पकना है। तो यहाँ पर हम डाल देंगे चावल
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। और ये देखिए, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कलरफुल चावल जो मैंने ऑरेंज और रेड कलर के बनाए थे। यहाँ पर डालने से बहुत अच्छा लुक मिलेगा हमारे चावल को, क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज देख सकते हैं, जैसे कि बचे हुए चावल से आप कैसे यूज करें और आप कैसे कैसे बनाएंगे जीरा राइस, ढाबे स्टाइल में आप कैसे बनाएंगे दाल चावल, बहुत सारी रेसिपीज आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम चेक कर लेंगे कि चावल हमारे पके हैं या नहीं। अब ये देखिए, ये हमारा चावल है। अब इसको हम आपके लिए सर्व करते हैं। हम इसको सर्व करेंगे आपको पुदीने और दही की चटनी के साथ। इनका कॉम्बिनेशन जो है बहुत माइंड ब्लोइंग होता है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब आप इसे बनाकर खाकर देखेंगे तभी गेस कर पाएंगे। और ये है आलू मटर की सब्जी। तो इस तरीके से आप इन तीनों का एक बार बनाकर जरूर देखिएगा। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल लाजवाब है, इसके आगे कुछ नहीं। थैंक यू।